हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। दुआ करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये वैलेंटाइन डे मेकअप लुक। मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि दी आप इंडियन आउटफिट के साथ मेकअप कर दिखाइएगा। तो आज उन्हीं की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ गाइस। प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी न्यू वीडियो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मैंने इस लुक को कैसे किया है। और गाइज, अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लीजिएगा। आई एम श्योर आपके लिए हेल्पफुल होगी। और हाँ फ्रेंड्स, सभी मेकअप प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स के साथ मैंने इस लुक को किया है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने लिप बाम भी लगा ली थी। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ हुडा ब्यूटी का फेस प्राइमर। इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी मैं फिंगर की हेल्प से। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ गाइस कलर्स क्वींस का पैनकेक। आज मैं इस पैनकेक की हेल्प से ये मेकअप लुक करने जा रही हूँ। स्पॉन्ज को गीला कर लीजिए, अच्छे से स्क्वीज कर लीजिए, उसके बाद आप पैनकेक को अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पर मैं गाइस आज इस लुक में कोई भी कंसीलर वगैरह भी यूज़ नहीं करूँगी। मैं अपने डार्क सर्कल को हाइड करने के लिए भी इस पैनकेक को ही लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा पैनकेक है। और अब मैं पर्पल का थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर लगा रही हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ स्विस ब्यूटी की ये आईब्रो पाउडर, और इसकी हेल्प से मैं अपनी आईब्रोज को फिल कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं स्पूली की हेल्प से अपनी आईब्रोज को कॉम कर लूँगी ताकि मेरी जो आईब्रोज है वो हार्श ना दिखे। इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर हिलेरी रूडा के आई शेडो पैलेट से ये ट्रांजिशन शेड, और इसे मैं अपनी क्रीज लाइन पर प्लेस करते हुए इस तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग में टाइम ज़रूर दीजिएगा गाइस, ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से कीजिए। इसके बाद मैं लगा रही हूँ स्मॉल फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर। अपनी पूरी आईलिड पर मैं कंसीलर को लगा लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट से ये शिमर शेड, और ये गोल्डन कलर शिमर शेड है। इसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पर स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर। इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपना आईलाइनर ड्रॉ कर लूंगी, और मैं यहाँ पर स्मॉल विंग्ड बना रही हूँ। आप चाहे तो जैसा भी आपको आता है वैसा आप लगा सकते हो गाइस। मुझे जेल आईलाइनर बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये काफ़ी ईजिली लग जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं तो जेल आईलाइनर ज़रूर ट्राई कीजिएगा गाइज, आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगे और क्विकली ड्राई भी हो जाता है ये, तो मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन का मस्कारा। आप चाहें तो फेक आईलैशेस भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ कॉन्टोरिंग, और कॉन्टोरिंग करनी भी ज़रूरी है वैसे, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिन्हें आती है वो कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्टोरिंग से भी आपका फेस जो है वो स्लिम दिखता है और अच्छा भी दिखता है। अब मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पर। इसके बाद मैं लगा रही हूँ हिलेरी रूडा के आई शेडो पैलेट से पिंक कलर का शेड एज अ ब्लश, तो इसे मैंने ब्लश की तरह लगा लिया है। और अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ शिवाना शिमर ब्रिक्स हाइलाइटर। अगर आप नाइट में कहीं बाहर जा रही हैं तो हाइलाइटर आप ज़्यादा भी लगा सकती हैं। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ मेबलिन का काजल। नेक्स्ट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ एडीएस की लिक्विड लिपस्टिक, और ये मेरे आउटफिट के साथ बहुत अच्छे से मैच जा रही है। सो गाइस, ये है मेरा फाइनल लुक। और हाँ फ्रेंड्स, एसेसरीज आप अपने हिसाब से या अपने आउटफिट के अकॉर्डिंगली वियर कर सकते हो गाइस। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों कि आपको मेरा आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा।
और फ्रेंड्स आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।